Healing Hospital Multi Super Specialty near Nehru Stadium, Bedar. Ahmed Tourist and Travels Hajj and Umrah Services. आपकी खिदमत हमारी नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। गजा पब्लिक स्कूल बागबान गुल्ली राव तालीम बेदर। यूनिक कम्बिनेशन मॉडर्न एजुकेशन एंड इस्लामिक स्टडीज। यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर। बेदर में 16 सितंबर को 12 रबी उल अव्वल का जुलूस मिलाद शहर के नबी खाना से निकाला गया। जुलूस मिलादुन नबी नबी खाना गावान चौक मरकज मस्जिद शाहगंज अम्बेडकर सर्किल महावीर सर्किल पसवीशोर सर्किल नई कमान तालीम सिद्दीकशा कुलसूम गिल्ली से होते हुए चौबारा और जामे मस्जिद बेदर पर इख्तिताम पहुंचा। इस जुलूस में उलमा मशाइखीन सियासी समाजी कायदीन और नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर श्री नंद किशोर वर्मा बीजेपी साबिक जिला सदर बेदर श्री सूर्या कांत सीट कार बीजेपी एग्जीक्यूटिव मेंबर और साबिक काउंसलर बेदर श्री काशीनाथ होल्ड सिटी बीजेपी सदर श्री चंद्रकांत गादे विश्वा हिंदू परिषद जनरल सेक्रेटरी बेदर श्री प्रकाश नंद गोली ओल्ड सिटी वार्ड सदर बेदर श्री विशाल नंद गोली श्री सदरन श्री नवीन पाजी के साथ मुदस्सिर अहमद बीजेपी सिटी सदर अकलियती मोर्चा बेदर मोहम्मद इमरान नायब सदर बीजेपी अकलियती मोर्चा सिटी बेदर अमीर खुसरो नायब सदर बीजेपी अकलियती मोर्चा सिटी बेदर अब्दुल गफ्फार पाशा जनरल सेक्रेटरी बीजेपी अकलियती मोर्चा सिटी बेदर सैयद सुहेल सेक्रेटरी अकलियती बीजेपी मोर्चा सिटी बेदर और दीगर बरादरान वतन ने जुलूस मिलाद अल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल लोगों ने शाहगंज कमान पर ठहर कर जुलूस का इस्तकबाल करते हुए फूलों की बारिश की। हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब की जीती जाती तस्वीर देखकर सभी का दिल भर आया। जुलूस में शामिल तमाम अहबाब ने बरादरान वतन के जुलूस का इस अंदाज में इस्तकबाल करते हुए कहा कि बेदर शहर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए पूरे मुल्क में आज जो तस्वीर पेश की है इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। जुलूस मिलाद अल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल अहबाब ने बरादरान वतन को शाल पोशी और गिल पोशी करते हुए शहर में और मुल्क में अमन यकजहती और तरक्की के लिए दुआएं की। कन्वीनियर जुलूस सैयद मंसूर अहमद कादरी ने महकमा पुलिस से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि महकमा पुलिस ने जुलूस के पुरम इनेकाद में भरपूर तआवुन किया और तमाम शुरकाए जुलूस से इजहार तशक्कुर किया कि उन्होंने हसब हिदायत नज्म व ज़ब्त को बरकरार रखते हुए जुलूस को कामयाब बनाया। इस मौके पर सैयद मंसूर अहमद कादरी रहीम खान रियासती वजीर बराए बल्दिया उमूर हज और रुकन असेंबली बेदर मोहम्मद गौस चेयरमैन बल्दिया बेदर सैयद मुबशर अली अबू इरशाद अली पहलवान मोहम्मद फैजान मोहम्मद बासद मोहम्मद उबैद अल्लाह खान अत्तारी मोहम्मद यूसुफ कांग्रेस सिटी प्रेसिडेंट अब्दुल अजीज मन्ना और दीगर काउंसलर्स मौजूद थे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। सबसे पहले तो मैं आलम इस्लाम को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौके पर दिल के गहराइयों से बीदर की जानिब से आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके साथ साथ जिस तरह आज जुलूस का एक निज़म रखा गया था अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर कसीर तादाद में नौजवानों ने बूढ़ों ने बच्चों ने सब ने बहुत जोश और खरोश के साथ हिस्सा लिया। उसके साथ ख़ास तौर से हमारे वतन बिरादर के भाई वर्मा साहब शेटकार साहब प्रकाश भाई बसपा साहब तमाम बिरादरान वतन को जिन्होंने अपनी जानिब से शांगिश की कमान के ऊपर तमाम जुलूस का 2 घंटे तक इंतज़ार करके इस्तकबाल किया हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह की ज़ात से
अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुल्क के अंदर बेहतरीन हालत पैदा करेगा। जिस तरह बीदर शहर गंगा जमनी तहजीब का एक पहवारा है, उसी तरह ये पैगाम देना चाहता हूँ बीदर की अवाम की जानिब से। देखिए, आपकी ईद हो हमारी ईद हो, हमने भी आप लोगों के साथ बहुत मिलजुल के काम किया है और ये मौका ऐसा है, हमको यहाँ से एक मैसेज देना है सारे आलम हिंदुस्तान भर के अंदर कि भाई भाईचारगी से जब आप एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहेंगे तो ईद की खुशी दुगनी होती है, जैसा कि आज हुई है। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ साहब जो आप लोग हमारे पास आए, और हम पुलिस डिपार्टमेंट का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छे से ताउन किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जुलूस 2 बजे जामा मस्जिद के अंदर इख्तिताम को पहुँचेगा। जो लोग जुलूस में शामिल नहीं हुए उनसे गुजारिश करता हूँ कि जामा मस्जिद 2 बजे पहुँचे और वहाँ पे एक जलसे का इनेकाद रखा गया है, वहाँ पे आकर उसका इख्तिताम को पहुँचेगा। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमारे सारे मुस्लिम भाइयों को मिलादुन्नबी की ईद की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ। आज हज़रत मोहम्मद पैगम्बर का जन्मदिन है और जन्मदिन का किसी का भी जब जन्मदिन होता है तो हम खुशियाँ मनाते हैं और यानी एक दूसरे से की खुशियों में शामिल होते हैं। आज हमको ये मौका मिला मिलादुन्नबी के अवसर पर कि आप सब लोगों के साथ मिलकर अपनी खुशियाँ हैं ना आपके साथ साझा करें, शेयर करें। ऐसा मौके हमको बार बार मिले, हर ईद हम सभी लोग मिलकर मनाएं, चाहे वो हिंदू की हो, मुस्लिम की हो या किसी भी मज़हब की हो। आज देश में माहौल बिगड़ते जा रहा है लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बीदर का माहौल है ना बरकरार रहे, बीदर में सुकून शांति रहे। कोई भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो हम सब जने मिलकर उसका विरोध करें और बीदर की गंगा जमनी तहजीब को हम बरकरार रखें। इसी उम्मीद के साथ फिर से एक बार आप सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हमको आज के अब्दुल नबी का मुबारकबाद देते हुए हमारी बीदर एक शांति का ये है, भाईचारा है बोल के हम पूरे हिंदुस्तान को बताएंगे। हम हर आदमी हर ईद कौन सा भी ईद होने दे वो हम सब मिलकर बनाएंगे और सबका एक का एक साथ रहेंगे। बोलते हुए मैं सब लोगों को और एक बार मुबारकबाद देते हुए